हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट करा था जिसके अभी हम यूनिट नंबर फर्स्ट पे थे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर हम एंटर कर सकते हैं क्या क्या मोड्स होते हैं उसके क्या मैथड्स होते हैं तो इसके अंदर हमारे टेन पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग आउटसोर्सिंग ज्वाइंट वेंचर स्ट्रैटेजिक अलाइंस लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टर्न की प्रोजेक्ट एफ डी आई एंड मर्जर एंड एक्विजीशन तो हमारा फर्स्ट आता है एक्सपोर्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अदर कंट्री एक्सपोर्टिंग में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अंडर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग अ कंपनी कैपिटलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड इन द होम कंट्री एस्टैब्लिश अ प्रॉपर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्सपोर्ट फंक्शन एंड प्रक्योरिंग फॉरन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व एक्सपोर्टिंग थ्रू डोमेस्टिकली बेस्ड एक्सपोर्ट इंटरमीड्रीज द एक्सपोर्टर हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरन मार्केट तो एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री के अंदर हमें भेजना तो so, हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया है और उसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं जिसके अंदर आता है हमारा डायरेक्ट मैथड और इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर हम एक यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं कि इतनी यूनिट तो हम दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे ही तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम एक डोमेस्टिकली मतलब हमने अपने प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद हम किसी एक दूसरी इंटरमीडरी को हायर कर लेते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री के अंदर तो ये उसके दो दो मेथड्स आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट के अंदर नहीं भेज सकता तो उसको एक इंटरमीडरी को हायर करना पड़ता है उसके बाद आता है हमारा जॉइंट वेंचर इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक यूज बाय अ कंपनी टू एंटर अ फॉरेन मार्केट बाय जॉइनिंग हैंड्स एंड शेयरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद अनदर कंपनी इट इज़ यूज बाइन टू और मोर कंपनी वॉन्ट टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेंड इंटरनेशनल ऑपरेशन इट इज़ यूज टू मीट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेज तो जॉइंट वेंचर क्या होता है जब दो कंट्री के सेम uh, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो फिर वो एक साथ में अपने हैंड्स को जॉइन कर लेते हैं जब उनका ओनरशिप ओनरशिप uh, भी सेम होती है तो वो अपनी uh, दूसरी कंट्री के साथ मिल जाते हैं जिससे कि वो अचीव कर सके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को तो इससे हमें क्या क्या वो मीट कर सकते हैं शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सिस को पूरा हो सकता है फिजिकल रिसोर्स भी उनके पूरे हो जाते हैं जब दो कंट्री मीट करती है और मैनेजरल रिसोर्स भी आउटसोर्सिंग इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज अ कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट बाई ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क टू आउटसाइड सप्लायर रेदर देन कम्पलीटिंग इट इंटरनली इट इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो ऑफ तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी अपना पूरा काम ना करके उसको हाफ काम को किसी दूसरी कंपनी के ऊपर छोड़ दे तो इसका एग्जाम्पल आता है हमारा अमेजोन अमेजोन क्या करती है अपना इसकी खुद की ब्रांच है किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसके बाद ये अपनी दूसरी कंट्री को बोलती है कि आप अपनी कंट्री के अंदर अगर आपको कोई भी आ, मतलब जैसे वो इंडिया के अंदर आई अमेजोन इन इंडिया तो उसके बाद वो उन कंट्री वालों पर छोड़ देती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं और किस तरह से उन्हें डिलीवरी करनी है तो ये सब उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है तो इसकी जो एमेजोन की कंपनी है वो सारा काम खुद अकेले ना करके जब किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना हाफ काम ट्रांसफर कर देती है उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग फिर आता है हमारा फ्रेंचाइजिंग इट इज सिस्टम इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर फ्रेंचाइजी पे फीस एंड रॉयल्टी टू अट्ठाइस हमारा फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजर जो होती है वो मेन कंपनी होती है और फ्रेंचाइजी पे करती है फीस या फिर रोयल्टी तो क्योंकि वो इसलिए पे करती है क्योंकि वो उसके नाम को यूज कर रही होती है इसका एग्जांपल है जैसे डोमिनोज इसकी अपनी ये हमारा एक फ्रेंचाइजर है इसको कोई भी कंट्री जब ले लेती है उसके बाद वो रॉयल्टी फीस पे करती है उसके फ्रेंचाइजर को फिर आता है टर्न की प्रोजेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट होता है इसका मतलब है मिनिमल एफर्ट्स कम से कम एफर्ट्स लगा के अपनी पेरेंट कंपनी को अ, मतलब पार्टिसिपेट करना इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर हमारे थ्री मेथड्स आते हैं बी ओडी बी ओ एल टी बी ओ टी तो इसके अंदर आता है बी का मतलब होता है बिल्ड ओन्ड एंड डेवलप उसको बिल्ड करना ओन भी करना और उसके बाद उसको डेवलप करना सेकेंड आता है बिल्ड ओन्ड लीज एंड ट्रांसफर्ड बिल्ड करना ओन्ड करना उसके बाद उसे लीज पे दे देना और फिर उसे ट्रांसफर कर देना लास्ट आता है हमारा बिल्ड ओन्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बिल्ड करना ओन करना ऑपरेट करना और उसके बाद में उसे ट्रांसफर करना एफडीआई इट इज अ मोड ऑफ एंट्रिंग फॉरन मार्केट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफ डी आई डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रीज तो एफडीआई का मतलब होता है जब हम फॉरन से कुछ इन्वेस्टमेंट कर मतलब फॉरनर जब हमारे कंट्री के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट दो तरह से कर सकते हैं या तो डायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट से एफडीआई डिपेंड करती है जब दूसरे कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर तो वो किस तरह से कर सकती है इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर को परचेज करके प्रॉपर्टी को परचेज करके एटसेट्रा मर्जर एंड एक्विजिशन तो इसकी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट के अंदर बाकी मर्जर के अंदर आता है हमारा जब टू कंपनी दो कंट्री दो कंपनीज मिलके किसी न्यू बिग कंपनी को जब खोलती है तो वो आता है हमारा मर्जर और मर्जर के अंदर एक कम्पलीट एग्रीमेंट होता है और जो एक्विजिशन होता है ये फ्रेंडली या हॉस्टाइल भी हो सकता है उसके बाद आता है हमारा लाइसेंसिंग इट इज अ अ मेथड इन फर्म फर्म गिव परमिशन गिव परमिशन टू अ पर्सन टू यूज इट्स लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट और टेक्निक ट्रेडमार्क और कॉपीराइट टू डू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर मैनर फॉर एवरी ट्रेटरी इट इज वेरी इजी मैथड टू एंटर फॉरन मार्केट एज लेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व द फाइनेंशियल रिस्क इज़ ट्रांसफर टू द लाइसेंसी एंड देर इज़ ए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो इसके अंदर ये एक लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट के बारे में बात करता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस को आगे काम कर सकते हैं यह बहुत ही एक ईजी मेथड होता है जिसके अंदर हम ईजीली फॉरन मार्केट के अंदर एंट्र कर सकते हैं इसके अंदर कंट्रोल और कम्युनिकेशन इन्वॉल्ड होता है बट वो भी बहुत ही कम इसके अंदर कंट्रोल होता है रिस्क इसके अंदर हम ट्रांसफ़र हो जाती है इसके अंदर लाइसेंसी के ऊपर फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर किसी को हायर कर लेते हैं वेन अ फॉरन फर्म हायर अ लोकल मैनुफैक्चर टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस मैथड यूटिलाइज द स्किल ऑफ अ लोकल मैनुफैक्चर एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फर्म इसके अंदर जब फॉरेन फर्म हायर कर लेती है किसी लोकल मैन्युफैक्चरर को कि वो उनके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे और उसके बाद उसे आगे उसके मतलब अनदर कंट्री के अंदर उसको पहुँचाए तो वो आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर आता है हमारा लास्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस इट इज़ अ वॉलेंटियर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनी टू पूल देर रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव वाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट एंटीटीज इट इज़ मेनली यूज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ अ प्रोडक्ट अलायंस हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड यूटिलाइजिंग ब्रांड इमेज एंड मार्केट नॉलेज ऑफ बोथ द कंपनी स्ट्रेटेजिक एलायंस एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो कंपनी अपने रिसोर्सिस को आगे पूल करती है जिससे कि वो अचीव कर पाए दोनों कंट्रीज एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए और वो यूज करे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को जिससे कि वो इंक्रीज कर पाए अपने मार्केट शेयर को अलायंस के अंदर आता है हमारा डेवलप करना न्यू टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करना अपनी ब्रांड इमेज को अच्छा करना मार्केट नॉलेज को बढ़ाना दोनों कंट्रीज़ के अंदर तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज की इस वीडियो में हमने बात करा डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और नोट्स की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू